हेलो दोस्तों, मैं रजत गोयल और इस वीडियो में हम करने वाले हैं सनहाइजर CX275S का रिव्यू। उसी के साथ मैं आपको इस वीडियो में इसका अनबॉक्सिंग भी दिखा दूंगा और दिखा दूंगा कि इसके बॉक्स कंटेंट्स आपको क्या क्या देखने के लिए मिल जाते हैं। इसी के साथ मैं आपको बता दूं दोस्तों कि हमारे चैनल पर थोड़े दिन पहले 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए हैं, उसकी मुझे बहुत ही खुशी है। दोस्तों, आप सबको मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ इस अचीवमेंट के लिए। और मैं बोलना चाहूंगा कि हर ऐसा यूट्यूबर जो नया यूट्यूबर शुरू होता है दोस्तों, नया यूट्यूब चैनल अपना शुरू करता है, उसके लिए 1000 सब्सक्राइबर्स एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है दोस्तों। ये पहला एक मेरा माइलस्टोन है जिसको मैंने अचीव किया है दोस्तों आपकी मदद से। मैं आपको बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूँ दोस्तों। उसी के साथ मैं आपको कंग्रेचुलेशन भी बोलूंगा दोस्तों, क्योंकि ये आपकी भी एक फैमिली है दोस्तों। हम सब लोग यहाँ पर एक दूसरे की हेल्प करने के लिए हैं दोस्तों। तो मैं ट्राई करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा रिव्यूज करके और ज्यादा से ज्यादा आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकूँ। उसी के साथ मैं ये भी कोशिश करता हूँ दोस्तों कि बढ़िया से बढ़िया क्वालिटी आपके तक लेके आऊँ, वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी में आपको प्रेजेंट करूँ। तो यहाँ पर ऐसी ही एक और वीडियो आप देखने वाले हैं आज इन ईयरफोन्स की। इसी के साथ अगर मैं बात करूँ आज के सरप्राइज की दोस्तों, तो इस वीडियो में मैंने 1000 सब्सक्राइबर्स की खुशी में एक सरप्राइज भी आपके लिए प्लान किया है दोस्तों। तो अब तक शायद आप समझ गए होंगे दोस्तों, इन ईयरफोन्स को मैं गिव अवे करने वाला हूँ आप ही में से किसी को दोस्तों। तो जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उन्हीं में से किसी को मैं ये ईयरफोन्स गिव अवे कर दूंगा दोस्तों। तो गिव अवे की सारी डिटेल्स मैं आपको वीडियो के लास्ट में दूंगा दोस्तों। अभी आप पहले देख लीजिए इन ईयरफोन्स का रिव्यू और अनबॉक्सिंग। तो यहाँ पर जल्दी से दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इन ईयरफोन्स की अनबॉक्सिंग की। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ईयरफोन्स को मैंने पहले ही निकाल दिया है। ये है इसका बॉक्स दोस्तों। देखते हैं कि इसके बॉक्स में हमें क्या क्या और पैकेज कंटेंट्स देखने के लिए मिल जाते हैं। तो ये एक नॉर्मल पैकिंग है दोस्तों, ज़्यादा खास इसमें आपको कुछ देखने के लिए नहीं मिलता। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इसके इनबॉक्स कंटेंट्स की दोस्तों, दो आपको पेयर ऑफ ईयर टिप्स एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, जो कि एक स्मॉल है दोस्तों, एक लार्ज है। और जो मीडियम है दोस्तों वो इन ईयरफोन्स पर ऑलरेडी आपको अप्लाइड दिया गया है। इसी के साथ आपको एक केबल मिल जाती है दोस्तों, जिससे आप इस स्ट्रेट टिप को एंगुलर टिप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको एक स्ट्रेट टिप मिल रही है। इन ईयरफोन्स के रिव्यू की मैं बाद में बात कर लूंगा। तो ये थी इसकी अनबॉक्सिंग की बात दोस्तों। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इन ईयरफोन्स के साथ आपको एक पाउच भी देखने के लिए मिलता है, जो कि काफी इंटरेस्टिंग और काफी अच्छी क्वालिटी का पाउच है दोस्तों। उन्हें आप यूज कर सकते हैं इन ईयरफोन्स को आसानी से कैरी करने के लिए। तो यही है दोस्तों, ये सब चीजें आपको मिलती हैं इस ईयरफोन के पैकेज में। तो यहाँ पर दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इन ईयरफोन्स के रिव्यू की। तो अगर मैं इन ईयरफोन्स का रिव्यू की बात करूँ दोस्तों, तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ इन ईयरफोन्स की बिल्ड क्वालिटी से। तो यहाँ पर आपको जो ईयर टिप है दोस्तों, और जो इवन आपको एक्स्ट्रा केबल मिलती है जो आपको एंगुलर टिप की मिलती है दोस्तों, दोनों ही आपको गोल्ड प्लेटेड मिल जाती है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है दोस्तों। मैं आपको ट्राई करता हूँ कि आप देख पाए दोस्तों यहाँ पर। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, दोनों ही आपको गोल्ड प्लेटेड मिल जाती हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छी ईयरफोन्स की बात लगी है मुझे दोस्तों। उसी के साथ यहाँ पर आपको रबड़ और प्लास्टिक का कुछ मिक्सर है दोस्तों, जिससे एक पूरा डिज़ाइन किया गया है। इसकी बिल्ड क्वालिटी अगर मैं बात करूँ दोस्तों टिप की, तो यहाँ पर ठीक है, ज़्यादा बुरी क्वालिटी आपको देखने के लिए नहीं मिलती। और मैं बोलूँगा कि काफ़ी ड्यूरेबल है दोस्तों, काफ़ी लंबे टाइम के लिए आपको इन ईयरफोन्स में कोई भी दिक्कत देखने के लिए नहीं मिलेगी। इसी के साथ जो वायर है दोस्तों वो ब्रेडेड नहीं है, फिर भी इसकी क्वालिटी मुझे काफ़ी अच्छी लगी है। तो अगर मैं इस केबल को साइड में रख दूँ दोस्तों, इसके बाद हम बात कर लेते हैं ईयर टिप्स की। ईयर टिप्स की क्वालिटी भी यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी मिल जाती है। अगर मैं ईयरबड्स की बात करूँ दोस्तों, तो काफ़ी स्मूथ हैं और आपको काफ़ी ब्रांडेड, जिसे आप बोल सकते हैं, काफ़ी अच्छी क्वालिटी के साथ मिल जाते हैं। उसी के साथ जो ईयर टिप्स की क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छी है। यहाँ पर कुछ मेटल भी जैसा है दोस्तों, और अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो ये मोस्टली प्लास्टिक के बने हुए हैं दोस्तों। स्टिल इनकी क्वालिटी में मुझे कोई भी दिक्कत देखने के लिए यहाँ पर नहीं मिली है। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, एक सेनहाइजर का लोगो आपको देखने के लिए मिल जाता है। उसी के साथ दोस्तों इन ईयरफोन्स की जो खास बात है वो है इसका माइक। तो इन ईयरफोन्स में आपको एक माइक भी देखने के लिए मिल जाता है। जैसा कि आपको पता होगा दोस्तों कि सेनहाइजर के ईयरफोन्स का आपको एक और वेरियंट देखने के लिए मिलता है, जो कि लगभग लगभग आपको 900 की रेंज में देखने के लिए मिल जाता है, 600 से 900 की रेंज में देखने के लिए मिल जाता है। ये उससे थोड़े महंगे हैं दोस्तों। इनमें आपको माइक भी देखने के लिए मिल जाता है। उसी के साथ आपको यहाँ पर एक की भी देखने के लिए मिल जाती है दोस्तों। इसे आप कॉल्स देने के लिए यूज कर सकते हैं या फिर मीडिया कंट्रोल्स के लिए भी यूज कर सकते हैं। उसी के साथ अगर मैं यहाँ पर इसकी माइक क्वालिटी की बात करता हूँ दोस्तों, तो काफी बेहतर क्वालिटी आपको माइक की देखने के लिए मिल जाती है दोस्तों। और अगर मैं कंपेयर करता हूं इन ईयरफोन्स की माइक क्वालिटी को दोस्तों, तो मुझे किसी भी ईयरफोन्स जो भी मैंने यूज किए हैं दोस्तों, सेनहाइजर के जो CX180 आते हैं दोस्तों, उसी के साथ ऑडियो टेक्निका के जो मैंने रिव्यू भी किया था दोस्तों, ATH CLR 100 IS,
और बोट के मैंने यूज़ किए हैं दोस्तों। तो ये ईयरफोन्स में जो माइक है उसकी क्वालिटी मुझे काफ़ी अच्छी देखने के लिए मिली है। उसी के साथ इसके बाद मैं बात कर देता हूँ इन ईयरफोन्स के साउंड की दोस्तों। तो यही इसका एक मेन पॉइंट है दोस्तों रिव्यू का। तो अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ इन ईयरफोन्स की साउंड की दोस्तों, तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छी और बहुत बेहतर क्वालिटी देखने के लिए मिल जाती है। तो अगर मैं इन डिटेल बात करूँ दोस्तों, जो बेस है दोस्तों वो आपको बहुत ही अच्छा देखने के लिए मिल जाता है। हालांकि वो बहुत ज़्यादा आपको देखने के लिए नहीं मिलता, कुछ सॉफ्ट क्वालिटी का आपको बेस देखने के लिए मिलता है दोस्तों, लेकिन वो बहुत ही अच्छे तरीके से निकल के सामने आता है। और अगर आप कुछ भी बेस के साथ सुनना चाहते हैं सॉन्ग्स वगैरह, उसमें आपको कोई भी दिक्कत इन ईयरफोन्स में देखने के लिए नहीं मिलेगी दोस्तों। उसी के साथ अगर मैं यहाँ पर ट्रैवल की बात करता हूँ दोस्तों, तो वो भी इन ईयरफोन्स में मुझे बहुत अच्छा लगा है दोस्तों। काफी अच्छी ट्रैवल की क्वालिटी आपको और शार्पनेस आपको देखने के लिए मिल जाती है। इसी के साथ अगर मैं मिड्स और लोस की यहाँ पर बात करता हूँ दोस्तों, मिड्स और लोस मुझे बहुत ही अच्छे देखने के लिए मिल गए हैं दोस्तों। यहाँ पर काफी अच्छी साउंड क्वालिटी भी आपको मिड्स और लोस में देखने के लिए मिल जाएगी। अगर मैं हाइस की बात करता हूँ दोस्तों, तो थोड़ी सी जो बीट है उसमें वो मिक्स हो जाते हैं कहीं ना कहीं दोस्तों, लेकिन फिर भी मैं मानता हूँ कि काफी अच्छी क्वालिटी इसमें आपको देखने के लिए मिल जाती है। इवन अगर आप फुल वॉल्यूम पे इन ईयरफोन्स के साथ सॉन्ग्स वगैरह को सुनना चाहते हैं दोस्तों, उसमें भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बट स्टिल मैं आपको वार्न करूंगा दोस्तों, बहुत ज्यादा लाउडनेस आपके कानों के लिए नुकसानदायक रह सकती है। तो यही था इन ईयरफोन्स का रिव्यू दोस्तों। तो आपने इन ईयरफोन्स का अनबॉक्सिंग और रिव्यू देख लिया होगा दोस्तों। अगेन मैं इसके रिव्यू की बात करूं दोस्तों, तो ये काफी अच्छे ईयरफोन्स आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। अंडर 1500 अगर आप कोई भी ईयरफोन्स लेने की सोच रहे हैं, तो आप आंखें बंद करके ईयरफोन्स ले सकते हैं दोस्तों। हर तरह की चीज आपको इसमें बहुत अच्छी देखने के लिए मिल जाएगी और कोई भी कमियां इसमें आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। उसी के साथ जो इसके साथ आपको एक पाउच मिल जाता है, वो भी एक एडेड एडवांटेज है दोस्तों। उसको आप यूज कर सकते हैं इन ईयरफोन्स को कैरी करने के लिए, और उसके साथ उसकी ड्यूरेबिलिटी है दोस्तों वो थोड़ी और बढ़ जाएगी और ये जल्दी खराब नहीं होंगे दोस्तों। तो गिव अवे की अगर मैं बात करूं दोस्तों यहाँ पर, तो मैं ग्लीम ऐप के थ्रू ये गिव अवे करने वाला हूँ। आप में से बहुत लोगों को पता होगा दोस्तों ग्लीम ऐप को कैसे यूज करना है। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा ग्लीम ऐप का। वहां पर आपको चले जाना है दोस्तों, उसमें आपको लॉगिन कर लेना है। उसके बाद कुछ एंट्रीज वहां पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगी दोस्तों, उनमें आपको एक एक करके पार्टिसिपेट कर लेना है। तो जितनी आप एंट्रीज ज्यादा डाल दोगे अपनी उसमें दोस्तों, उतने ही आपके चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे गिव अवे जीतने के। उसी के साथ मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये एक ही ईयरफोन्स हैं, तो किसी एक ही बंदे को ये मिल पाएंगे दोस्तों। तो आप ज्यादा से ज्यादा अपनी एंट्रीज डालिए वहां पर, आपको वहां पर काफी ऑप्शंस मिल जाएंगी अपनी एंट्रीज डालने के लिए। फेसबुक का पेज आप लाइक कर सकते हैं, ट्विटर पर मुझे फॉलो कर सकते हैं और यूट्यूब पर भी मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों। ये तीनों एंट्रीज दोस्तों मैंडेटरी आपके लिए रहेंगी अगर आप गिव अवे में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो ये तीनों एंट्रीज तो आपको करनी ही पड़ेंगी दोस्तों। उसके बाद आपके लिए कुछ और एंट्रीज भी वहां पर अनलॉक हो जाएंगी। आप शेयर कर सकते हैं इस गिव अवे को अपने फ्रेंड्स के साथ, जिसके थ्रू आपको एक्स्ट्रा एंट्रीज भी मिल जाएंगी। तो उसी के थ्रू हम लास्ट में एक विनर भी निकालेंगे दोस्तों। तो आप जल्दी से कर लीजिए उस गिव अवे में पार्टिसिपेट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें इस वीडियो को, लाइक करें इस वीडियो को। उसी के साथ अगर आपके कुछ क्वेरीज हैं या कुछ और जानना चाहते हैं इन ईयरफोन्स के बारे में, तो आप हमें नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं। और अगेन दोस्तों आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी की तरह हम आपके लिए और भी काफी वीडियोस बनाते रहेंगे और हम आशा करते हैं दोस्तों आने वाले टाइम में हम और भी काफी सब्सक्राइबर्स अपने साथ जोड़ पाएंगे और ऐसे ही क्वालिटी वीडियोस हम बनाते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।